हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। बात करेंगे साउथ इंडिया बैंक के क्वार्टर वन के नतीजों के बारे में, जो कि अभी जस्ट मैनेजमेंट की ओर से नतीजे रिलीज़ हुए हैं। और देखा जाए तो आज हमें ओपनिंग तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली थी, तकरीबन 2% के आसपास की, और उसके बाद देखा जाए तो पूरा दिन साइडवेज ही मोमेंटम देखने को मिला। कहीं ना कहीं बाजार को इंतज़ार था क्वार्टर वन के नतीजों का, लेकिन नतीजे आफ्टर क्लोजिंग मार्केट आए। तो नतीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और नतीजों के चलते आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नजर आ सकती है, क्या लेवल और टारगेट निकल के आ सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंगेज करना ना भूलें, और चैनल पर नया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, साउथ इंडिया बैंक के क्वार्टर वन के नतीजे आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पे आप जो रिजल्ट्स देख रहे हैं वो स्टैंडअलोन रिजल्ट्स है, और यहाँ पे जो सारी वैल्यूज देखने को मिलेगी वो इन लैक्स में देखने को मिलेगी, लेकिन हम इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन करोड़ में। यहाँ पे आपको क्वार्टर वन के नतीजे देखने को मिलेंगे जो कि आज ही रिलीज हुए हैं, और यहाँ पे आपको क्वार्टर फोर के नतीजे नजर आएंगे, और यहाँ पे आपको पिछले साल क्वार्टर वन के नतीजे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर वन ईयर किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग किस तरह की मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरेस्ट इनकम की, जो कि बैंक की जो मेन इनकम होती है वो इंटरेस्ट के थ्रू ही आती है। आपको पता ही होगा, लोन देते हैं उसके बाद जो लोन्स का जो इंटरेस्ट हो रहा आता है वही बैंक्स का मेन इनकम होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार क्वार्टर वन में तकरीबन 1633 करोड़ का हमें इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1707 करोड़ था, और पिछले साल क्वार्टर वन की बात करें तो 1886 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर वन ईयर हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम अदर इनकम को मिला के टोटल इनकम की बात करें तो इस बार क्वार्टर वन में तकरीबन 2008 करोड़ का टोटल इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2009 करोड़ का टोटल इनकम था, और पिछले साल क्वार्टर वन की बात करें तो तकरीबन 2171 करोड़ का टोटल इनकम था। तो यहाँ पे भी हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। और उसके बाद अगर हम बात करें प्रोविजनिंग की, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रोविजनिंग भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तकरीबन 497 करोड़ का प्रोविजनिंग नज़र आ रहा है क्वार्टर वन में, जो कि पिछले क्वार्टर में 412 करोड़ का प्रोविजनिंग रहा था, और पिछले साल क्वार्टर वन की बात करें तो 293 करोड़ का प्रोविजनिंग रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर प्रोविजनिंग बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स यहाँ पे एक के बाद हमें नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तकरीबन 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस से तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बड़ी गिरावट नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तकरीबन 81 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहाँ से सीधा 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ चुका है। यानी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। और अगर आप इस रिजल्ट्स को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं अर्निंग पर शेयर रेशियो से, यानी कंपनी को पर शेयर पर इस बार देखा जाए तो 0.05 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर फोर में 0.04 पैसे का प्रॉफिट हो रहा था, और पिछले साल क्वार्टर वन की बात करें तो 0.45 पैसे का प्रॉफिट हो रहा था। यानी अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 1 पैसे का ही बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है अर्निंग पर शेयर रेशियो में, 0.45 पैसे से सीधा 0.05 पैसे पे आ चुका है ईपीएस। तो यानी कह सकते हैं कि रिजल्ट्स में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और ओवरऑल देखा जाए तो नतीजे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस नतीजों का इंपैक्ट हमें शेयर प्राइस के ऊपर किस तरह का नज़र आ सकता है, किस तरह के लेवल और टारगेट देखने को मिल सकता है, कहाँ तक गिरावट आ सकती है, कौन से लेवल पर फ्रेश पोजिशन बना सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट है, इन सभी बातों के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के कारोबार के सिचुएशन की, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एनएसई की वेबसाइट के ऊपर मैंने साउथ इंडिया बैंक को सर्च करके रखा है, तकरीबन 2% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 12 रुपये पे, और आज ओपनिंग हुई 12 रुपये 20 पैसे पे, हाई बनाया 12 रुपये 35 पैसे का, और लो देखने को मिला था 12 रुपये 10 पैसे के आसपास का। और डिलीवर परसेंटेज की बात करें तो जो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई वो तकरीबन 1,19,11,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से डिलीवर क्वांटिटी की बात करें तो तकरीबन 50 लाख के आसपास की डिलीवर क्वांटिटी नज़र आ रही है। यानी
तकरीबन 41% के आसपास के डेलवर परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो खरीदारी तो अच्छी खासी नज़र आ रही है, लेकिन हो सकता है कल हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है जिस तरह के नतीजा है। तो चार्ट्स के ऊपर नज़र करते हैं कि कहां तक गिरावट आ सकती है। तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं साउथ इंडिया बैंक का चार्ट मैंने 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइनें भी ड्रॉ करके रखी है और ऑलरेडी हमें गिरावट तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 12 रुपये का अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल को संभलता है, इस सपोर्ट लेवल पे होल्ड करता है तो फिर यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया जो कि नतीजे कुछ ज़्यादा ही खराब नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो फिर 11 रुपये 50 पैसे तक हमें लुढ़कता हुआ साउथ इंडिया बैंक नज़र आ सकता है और यहाँ पर आप फ्रेश पोजिशन भी बना सकते हैं जो कि एक बहुत ही बढ़िया मौका मिल सकता है फ्रेंड्स फ्रेश पोजिशन बनाने का। अगर ऊपरी लेवल पर ख़रीदारी की है तो फिर यहाँ पर आप थोड़ा बहुत भी एवरेज भी कर सकते हैं और यहाँ पे अगर 12 रुपये पर संभलता है तो फिर यहाँ पे आपको बैक बाउंस भी देखने को मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो 12 रुपये 50 पैसे का एक पहला रेजिस्टेंस लेवल रिसेंटली नज़र आ सकता है और उसके ऊपर तकरीबन 13 रुपये का और उसके ऊपर 14 रुपये तक के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पोजिशन बना के रखे है तो लंबी टाइम फ्रेम पर होल्ड करके रखें और नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन लेवल को वॉच आउट करें और पोजिशन बना के रखिए ऊपरी लेवल पर, तो डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है आपको 1-2 महीने के लिए लॉस देखने को मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट नजर आए, एक बढ़िया फिर से आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करें और बड़े टारगेट निकाल सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद किसी भी तरह की कोई पोजिशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूलें और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।